जा रही है, सरकार सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं, सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, किसान बिहार, इसलिए किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, मदद करने की आवश्यकता है। खरीद तो वैसे ही चला गया है, बर्बाद हो गया है, 50,000 रुपये प्रति एकड़ की घोषणा सरकार ने करनी थी, उसको तो जाहिर क्या है, लेकिन उसकी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। और बाकी जो फल बाग है, फूड क्रॉप है या बाकी जो है क्रॉप्स है, उसके लिए भी हाई वैल्यू क्रॉप्स है, उसके लिए तो 1,00,000 रुपये एक्सपोर्ट करती हूँ, मदद देनी चाहिए। दूसरा जो है मुद्दा है वो मराठा आरक्षण के बारे में, जो अभी बैकवर्ड कमीशन का रिपोर्ट आया है, उसके तहत सरकार लोगों को गुमराह करने की बात करेगी। हमारी यही मांग रहेगी, कल 19 तारीख पहला दिन है, कल ही सरकार ने बैकवर्ड कमीशन का जो रिपोर्ट है वो टेबल करना चाहिए, और उसके साथ ट्रिस का जो रिपोर्ट है धनगर समाज के बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है, दोनों रिपोर्ट कल सदन में रखना चाहिए। उसकी जो कुछ कायदेशीर लीगल प्रक्रिया है तो सरकार पूरी करे, हम सब अपोजिशन पूरी सरकार को उसके समर्थन के लिए देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार का रवैया पैसे के दायरे में, इसलिए जो बात हम करने जा रहे हैं कि ये सभी मामलों में सरकार की जो भूमिका, शिवाजी महाराज के स्मारक के बारे में जो इसकी जो पूरी रचना है, 3800 करोड़ रुपए से लेकर के जो घटा के 2500 करोड़ तक उन्होंने कीमत कम किया है, वो कला के बारे में कुछ कॉम्प्रोमाइज, स्टैचू के बारे में कॉम्प्रोमाइज किया, वो तो बहुत बड़ा महाराष्ट्र की जनता का अपमान सरकार ने, उसका जमा हम सरकार ने कहा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक के बारे में अभी एक हिट नहीं हुई है, सरकार घोषणा के ऊपर कर रही है, लेकिन सभी क्षेत्र सभी आघाड़ी पर सरकार नाकामी साबित हो रही है। अभी किसानों के बारे में तो मुंबई का डीपी प्लान है, उसमें तो इतना बड़ा घोटाला है, बिल्डर को सामने रख के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खाली 14 हमने बदल किया, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि पार्किंग स्पेस में उसका एक बदल है, ऐसे 450 के ऊपर पार्किंग स्पेस में बदलाव किए हैं, ऐसे एक के बारे में तो 1400 बदल, जो खाली 14 है, सर 14 नहीं है, एक रिविजन एक में जैसे मैंने पार्किंग का कहा है 400 का बदल किया है, कम से कम 2800 रिजर्वेशन में बदलाव सरकार ने, ये डेवलप कंट्रोल प्लान रूल जो है DCPR में सरकार ने अनाउंस किया, उसमें लाया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर भी सभा में चर्चा हुई। 235 बार सरकार से बाहर जाने की उन्होंने धमकी दी। मैं तो यही कह रहा था कि विराट कोहली का जो 300 का जो सेंचुरी का वो शतक पार करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया अभी, लेकिन मैं ये समझूंगा कि खाली लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान बिहार है सुखी में घूम रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, वहाँ जाके लोगों को मदद करने के बजाय राम मंदिर जाने की सारी सोच रहे हैं, पहले अपने जो स्मारक आदरणीय भारत पाटिल का स्मारक जो मुंबई में है वो 4 साल में बना नहीं पाए, उसके बारे में अगर वो कुछ अगर कोशिश करते थे तो शिवसैनिक उनको आभार, शिवसेना उनको धन्यवाद देती थी शिवसैनिक, लेकिन उसको समय नहीं, अभी हर एक स्टेज पे शिवसेना का भी राम की मूर्ति रखने के बजाय कोई पर्याय नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के जनता का उन्होंने विश्वास खोया है, अभी राम का आधार उनको भी लग रहा है, राम के आधार के बिना लोग हमको सत्ता नहीं देंगे, ऐसा उनका भी मानना है। दोनों सत्ता में हैं, दोनों सत्ता में बैठे हैं, शिवसेना तो हमेशा विपक्ष की बात करती थी, यानी लोगों को वही ठगाने की बात हो रही थी, विपक्ष में है ऐसा बहाना करने का, लेकिन सत्ता में बैठ के मरीदा खाने का, उनके मंत्री सत्ता में हैं, मंत्रिमंडल में बैठ के मुख्यमंत्री से साथ बैठ के वह भजिया खा रहे हैं, मिसल खा रहे हैं, मरीदा खा रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं, लेकिन लोगों को दोनों ये सोच रहे थे कि हम अलग अलग बात करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़े ठगबाजी ये दोनों ने महाराष्ट्र की जनता के साथ की है, इससे याद है।